एक गाड़ी की जो क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हमारी, वहीं खड़ी भी एक बची है हमारे पास, लेकिन नलतर किए बिना मैं नहीं जाने वाला। देखेंगे वापसी में डाले वाले में चढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन व्यू देखो, नलतर देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। गाड़ी जो है वो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। फाइनली भाई पहुंच गए हैं, वेलकम टू गिलगित बोर्ड। फाइनली आ गए हैं यहाँ पर, अब गिलगित चलेंगे, नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ से नाश्ता नहीं किया था। सोचा था कि यार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लिया था, मतलब ना होने के बराबर किया था। यहाँ आके मस्त वाला नाश्ता करेंगे, गिलगित के बाद रुकने का कोई प्लान नहीं बनाया, बस नाश्ता करके सीधा हुंदा, ये प्लान है। बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है और क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं, उनसे भी चल के बात करते हैं। अभी बस चल रहा है, ट्रिप चल रहा है, और मम्मी डैडी वाले ब्लॉग नहीं सकते भाई, जब 5 दिन से बाहर है तो ऐसा ही चलेगा, बस इसी तरह के मुँह आएंगे अजीब अजीब से। अस्सलामुअलैकुम भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैंने बताया था इस तरीके से हम थोड़ी देर बाद पॉइंट हमारे चेंज हो रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं नलतर वैली। तो हमने हुंजा के लिए टर्न लिए थे वहाँ पे, लेकिन अभी हमारा प्लान हो गया कि हम नलतर वैली का, तो दिस व्लॉग इज़ फॉर नलतर वैली। तो नलतर वैली चलते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा ही ऑफ रोड आ रहा है नलतर वैली के टाइम पर, तो हम ऑफ रोड देख रहे हैं और नलतर वैली विज़िट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और अभी सिंगल हैंड से जो है ना वो वीडियो बनानी पड़ रही, क्योंकि प्लान अचानक चेंज हुआ, रूट अचानक चेंज हुआ, तो इसलिए मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना था तुम आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम नलतर वैली में और पहुँच रहे हैं। मैं रोड थोड़ा ख़तरनाक था, यानी कि ऑफ रोड ज़्यादा है, जब से हम हुंजा वाला टर्न लिया है वहाँ से, नलतर वाला टर्न लिया सॉरी, तब से जो है वो रोड टोटली जो है ना ऑफ रोड है। तो मैं दिखाया भी था आपको अभी, और अभी दोबारा दिखाता हूँ, और थोड़ा सा आगे का रोड भी दिखाता हूँ टोटली। तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा सुना है उसके बारे में मैंने, नलतर वैली के बारे में। तो अभी बस नलतर वैली को विज़िट करके ही पता लगेगा कि भाई कितनी खूबसूरत है, और बस दिखाता हूँ आपको। तो मेरे साथ बने रहिए और ऑफ रोड करते हैं, मज़ा करते हैं, और नलतर वैली भी देखते हैं। तो अभी आपको मैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ नलतर वैली का, कि आगे का रास्ता कैसा है। ठीक है भाई, अभी दिखाता हूँ आगे नलतर वैली स्टार्टिंग का। रोड की कंडीशन आप लोगों ने देख ली है, और रोड ये मज़ीद आगे इससे ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, और इसी रोड पर हमें मुसलसल चलते चलते पहुँचना है नलतर वैली, जो अराउंड यहाँ से 60 किलोमीटर और दूर है। आप बताते हैं कि भाई क्या अचानक से प्लान हुआ कि नलतर वैली जाएंगे। हम निकले थे, आपने देखा जैसे कि पुल से हमने पुल क्रॉस किया, पुल क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा सा आगे निकले, तो वहाँ से हमें नोमल से ऊपर की तरफ टर्न होना था ताकि हम हुंजा जा सकें, लेकिन हम आ गए बिल्कुल सीधा। तो स्टार्ट में हमने रास्ता थोड़ा सा गलत लिया, तो और फिर वहाँ से हमें पता चला कि हम नलतर वैली के रूट पर हैं, तो हमने स्टार्ट कर लिया नलतर वैली का अपना ट्रैक। अब नलतर वैली का ट्रैक में आपने ये तमाम चीज़ें ये देखी कि किस तरीके से अभी जो है वो रोड बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है और टोटली ऊपर तक बन रहा है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि ये जो रूट हमने लिया है ये मज़ीद इससे ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, आगे आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है और जिस तरह हमें नज़र आ रहा है आगे की रोड की कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको कोई ख़ूबसूरत चीज़ देखनी हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि रास्ता आसान हो ही नहीं सकता, और नलतर वैली एक जन्नत नुमा वादी है, और आपको जब वहाँ पर जाके नज़ारे दिखाऊँगा तो होप कि आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन भी मिलें। और साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि ऊपर जाएंगे हम सतरंगी लेक तक, ऊपर सतरंगी लेक है, और एक और जो है एक बहुत ही ज़्यादा नायाब चीज़ जिसका नाम है स्नो ल्यूपर्ड।
स्नो लियोपर्ड जो कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले यहाँ पर फंस गया था, तो नलतर वैली पे जो लोग हैं वहाँ से उन्होंने निकाल कर बहुत ही नायाब लियोपर्ड को वहाँ पर उन्होंने कैद कर लिया एक बड़े से जाल में, जो मैंने सिर्फ अब तक वीडियो में देखा है। तो आज जाऊँगा ख़ुद भी देखने के लिए और साथ साथ सतरंगी लैग भी देखेंगे, नलतर का ज़ीरो पॉइंट भी देखेंगे। आज पूरी वादी आपको दिखाएंगे और इस ऑफ रोड को मज़ीद इन्जॉय करते चलेंगे। तो देखते रहिए डेंजरस ऑफ रोड ऑफ नलतर वैली, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, देखते रहो। ये देख रहे हैं आप भाइयों, हमारे जो दोस्त हैं वो पिलियन में है, गाड़ी जो है वो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी और रिवर्स आ रही है। बहुत जो है ना मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना, टोटली ऑफ रोड है टोटली, और रैम पे इतनी ख़तरनाक है कि ये आप हालत देख रहे हो, बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना। और आबशार तो बहुत ही खूबसूरत है, अब वैली जाके पता चलेगा कि वैली कैसी है। तो चलते हैं आगे, मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वो थोड़ा सा दिखा सकूँ कुछ ऑफ रोड किस तरह का है। आ जाऊँगा इंशाल्लाह, निकलो आप लोग, मैं आ जाऊँगा। तो देखते हैं आप थोड़ा सा ऑफ रोड चलाए, गाड़ी आ गई, हम निकलते हैं। हाँ तो भैया हालत हो गई है देखो बहुत टाइट, और समझ में तो आ रहा होगा कितनी हालत टाइट हुई भी है। तो अभी का सीन ऐसा है कुछ कि नलतर की तरफ मुड़ तो गए थे, अब जो है वो नलतर वाले लोड ने ना वाट लगा दिए, अब जो है ना रोड भी मुँह से सही नहीं निकल रहा है, लोड निकल रहा है, इतनी हालत टाइट हो गई है। और एक घंटा हो गया नलतर वाले रोड पर, अब बस आगे नलतर का थोड़ा सा रोड दिखाता हूँ फिर मैं इसको स्टॉप करूँगा, क्योंकि फिर वो कैमरे में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, डर लग रहा है कि GoPro फिक्स तो है, तो अभी पहली वीडियो पर आगे जाके ना मुझे आगे वीडियोज़ बनानी है तो फिर बैटरी ना चली जाए, तो दैट इज़ द रीज़न कि अब बाकी नलतर चलते हैं, देखते हैं नलतर कितनी खूबसूरत जगह है। क्या पैदल कॉलोनी देखा है? जानता है? नहीं नहीं चार नंबर। अच्छा औरंगी टाउन दूर है वहाँ जाकर। अच्छा चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं वापसी में। नहीं कल खिलाएंगे, आते हैं वापसी में, वापसी में यही उतरना है, हमें उंदा जाना है। रोड की हालत देख रहे हो आप लोग, गाड़ी जो है वो बिल्कुल मर गई है, चल ही नहीं रही है ऊपर। और अब देखते हैं कि आगे पक्का रोड आ जाए, बस दुआ करो, पिछले एक घंटे से ऐसी रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है और आगे लग रहा है कि थोड़ा शायद पक्का रोड आ रहा है। तो पक्का रोड अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो गाड़ी की तो लग गई वो। नलतर वैली का रास्ता मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों देख लो, गलत प्लेट अच्छी ना हो तो बताना भाई। पहला गियर भी मर गया है, पहला गियर भी नहीं चल रहा है भाई। ये गाड़ी पहले गियर में भी मर गई गाड़ी। ये है
लग गई है वोट। गाड़ी शायद गर्म होने की वजह से हीट हो रही है। गाड़ी थोड़ी ठंडी कर लेते, मैं बोल रहा हूँ। ये हालत हो गई भाई, नहीं चल रही गाड़ी, नहीं चल रही, पहले गियर पे भी नहीं चल रही गाड़ी। गाड़ी पहले गियर पे हालत कर रही है। आगे क्या करेगी कुछ नहीं पता। पक्के रोड पहुंचे, पहुंचने वाले हैं सर पक्के रोड पे। गाड़ियां खत्म हो जाए बस, हमें ढोगी ये आ गए हम दलसर वैली के करीब करीब। नलतर नलतर सलाम अलैकुम, कैसे हो? ठीक हो? अरे सुन नलतर, कितना रह गया यहाँ से? अच्छा अच्छा भाई, कंडीशन देख ली नलतर की। अभी भी भाई बता रहा है आधा घंटा 40 मिनट और लगेंगे। और ये मुंह देख लो, हालत हो गई है बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई हालत। और अभी फिलहाल यहाँ पर है, और ये नलतर की जो रैंपिंग है ना, वो बहुत यार बहुत अभी बहुत हाइट पर है, तो हालत बहुत टाइट हो गई है। गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही, और मुझे लग रहा है कि क्लच पेडल लेट है, शायद सारी क्या होगी मुझे लगा। तो 4x4 की जा रही है, देख लो। और ये आ रहे हैं दोनों कारिंदे, और हिम्मत है इनकी बहुत घना, किस तरह से गाड़ी चल रही है बस नहीं पता, लेकिन ये आ रहे हैं दोनों बंदे। और ये होने वाला है सीन, अभी आप ये देखिएगा, गाड़ी में अगर थोड़ी सी जान बचती है, ये गाड़ी गई। देखा मैंने क्या कहा था आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा हाइट है, दैट इज़ द रीज़न गाड़ी नहीं जाएगी डबल में, सिंगल में भी नहीं जाएगी। तो चलते हैं, आई चीज़ दिखाने का नहीं है, क्योंकि पता है क्या, ये जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, ये घर वाले भी देख रहे होते हैं, अब वो बोलेंगे क्या इसका ना, अगर तुम लोग इतना एडवेंचर करते हो तो नेक्स्ट टाइम परमिशन नहीं मिलेगी फिर मुझे ना। अभी बस चलते हैं, हालत तो बहुत बुरी हो गई है। तुर्की बॉर्डर वाला व्लॉग तो बनेगा नहीं, ऐसे एडवेंचर के ऊपर, इस तरह के रोडों के ऊपर, ऐसे एडवेंचर के ऊपर कहाँ कम्युनिटी व्लॉग बनता है। तो अब मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। नलतर कैसे पहुँचते हैं, और रास्ते में कहाँ कहाँ हमें कितने पैसे मिलते हैं, हम कहाँ कहाँ पैसे उठाते हैं, बैंक बहुत से राइडर्स को पता है कि बैंक कितने का आ जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट रोड जो मेरी एडवेंचर लाइफ में, मैं कहूँगा कि ये इसने एक अलग मुकाम बना लिया इस रोड ने अपना। एडवेंचर को बहुत ज़्यादा किए हैं, कुछ नहीं ज़्यादा किए हैं, लेकिन इसने एक मुकाम बना लिया भाई अपना। तो अब वीडियो कर रहा हूँ यहाँ पर स्टॉप, नलतर पहुँच के स्टार्ट करूँगा। बाकी अल्लाह हाफिज़। तो मज़ा आ गया, तो बहुत हमने बलूचिस्तान में ऑफरोड किए थे, बहुत मज़े मज़े के ऑफरोड किए, तो चौड़े पे हम बहुत ज़्यादा चौड़े, यू नो मतलब चौड़ापन। तो ए रोड की है ना अभी नलतर वाला,
जो भी इस वक्त कंडीशन में करंट, अभी तो बन रहा है कह रहे हैं बना देंगे हम लोग, नहीं आना छः, अभी मेरी वीडियो देखने के 6 महीने तक 8 महीने तक मत आना भाई, मेल्टर नहीं आना। मुझे लग रहा है कि वो ना गाड़ी कलच प्लेटें फारिक, ऐसा लग रहा है, हालांकि दलवाता हुआ आया था ना, लेकिन लग रहा है कि फारी हो गई। तो अभी वो जो टफेस्ट ऑफ रोड आपने भी देखा, उसके बाद जो है ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये छोटा सा मुझे चश्मा मिला ये, तो जो है ना ये चश्मे पर रुके, फ्रेश हुए, यहाँ से मुँह हाथ धोया और फिर मुँह दिखाया, पहले तो काबिल नहीं था दिखाने के। तो अब आगे जो है तकरीबन 9 या 10 किलोमीटर आगे रह गया, लेकिन वो कह रहे हैं कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे इस ऑफ रोड में वहीं, तो चलते हैं आगे, ललतर दिखा के जाऊंगा। हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी, और जाके रहेंगे आज़ादी, बस कर दो भैया। हाँ तो व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि बस आधा घंटा ऊपर है, आधा घंटा ऊपर है, आधा घंटा ऊपर है, और ये है ललतर का रास्ता। अभी तक रास्ते पर हूँ ललतर के, पिछले आधे घंटे से जिससे भी पूछो वो यही बोल रहा है कि भाई कि वो इतना दूर है, इतना दूर है, लेकिन जो है ना हालत हो गए टाइट, हाथी भी आ ही गए, चले ऊपर निकलते, ऊपर का रास्ता इससे भी खतरनाक है। चलो आगे, जिस चीज़ से डर रहा था मैं हो गया, वो ललतर की चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, आते वक्त मैंने बिल्कुल नई क्लच प्लेटें वगैरह सब करवाया था काम, लेकिन फाइनली भाई बहुत बुरी जगह फंसा हूँ, बहुत हालत टाइट हो गई। ललतर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव और है, और मुझे लग रहा था चढ़ाइयाँ जितनी ख़तरनाक थी उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि यार ऐसी हालत होगी। अब गाड़ी जो है वो इतनी लोड गाड़ी है, और मैं इसलिए मना कर रहा था शुरू में कि भाई ललतर नहीं जाया जाए तो बेहतर है बाइक के ऊपर, या तो 125 हो तो जाया जाए, वरना GS का भी अगर ये क्या अच्छी कंडीशन में गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाई है, सब कुछ नया दलवा कर आया था, लेकिन ये कि जो होने वाली चीज़ होती है हो जाती है और हो गई है। अब कैसे घर जाएंगे अभी तो नहीं पता, फिलहाल अभी तो हंजा बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, अभी तो देखते बाकी, अल्लाह मालिक है कैसे घर जाएंगे। देख, एक गाड़ी की जो क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हमारी, वहीं खड़ी भी एक बची है हमारे पास, लेकिन ललतर किए बिना मैं नहीं जाने वाला, देखेंगे वापसी में डाले वाले में चढ़ाएंगे कुछ करेंगे, लेकिन व्यू देखो ललतर देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। एक बंदा नीचे छोड़ा बाइक के पास, वो बाइक पे स्टे करा हुआ, बहुत मुश्किल है यार ट्रैकिंग, अभी भी लोकल मैकेनिक से काम नहीं करा, अच्छी खासी गाड़ी थी, सोचा पाकिस्तान टूर निकल लूँ तो प्लेट्स को चेंज करा लूँ, नुकसान उठाया, तो ग्लेशियर्स देखो बहुत मज़े के, अलग सूख रहा है मगर वही चीज़, नलतर किए बिना मैं तो नहीं जाने वाला, अल्लाह मालिक है, देखते हैं भी यही पे करेंगे बाकी, अल्लाह मालिक है। हाँ नलतर वैली महंगी पड़ गई थोड़ी सी, बट फाइनली वी डन ललतर वैली डन। अब देखें बाकी काम तो होता रहता है, ये तो पार्ट ऑफ द एडवेंचर है कि आप जो है इस तरह से चीज़ें फेस करो, और इतने टाइम से यही सीखा भाई, घबराना नहीं, इमरान खान हमारे जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा है घबराना नहीं है, तो हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे, और इस वक्त हम ललतर वैली पर मौजूद हैं, ये हमारे दोस्त हैं, इनकी बाइक फ़िलहाल सही चल रही है जिसके ऊपर हम यहाँ तक आए। ज़रा हेलो कर दीजिएगा ज़रा ऑडियंस को, ज़रा कि कैसे पहुँचे आप बताएँ ज़रा। बहुत मज़ेदार सफ़र था, मज़ा आया आपको? बहुत अच्छा सफ़र था। और क्या कहा वज़ीर आज़म ने? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराना नहीं है तो हम घबरा रहे हैं क्या? ओह बिल्कुल भी नहीं, डर बिल्कुल नहीं लग रहा, थोड़ी सी है बस
बाकी व्यू इतना ज़बरदस्त है कि ज़िद जो होती है ना, ज़िद आपसे सब करवा लेगी। अगर आपके हौसले बुलंद है ना, वो आपको सब करवा लेगी। ये वो रहा 0 पॉइंट नल्टर वैली का, और बाकी अभी मैं नल्टर वैली का एक छोटा स्लोमो दिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे नीचे ताकि हम बाइक भी जल्दी से डाले में डाल लें ना, और रात हो जाए अंधेरे में, फिर मसले मसाइल हो जाएंगे हमारे लिए। चलते हैं। नल्टर वैली का 0 पॉइंट और ग्लेशियर्स आप देख रहे हो सारी चीज़ें। भाई नल्टर वैली का ब्लॉग ख़त्म तो नहीं हुआ है, वैली की खूबसूरती आपने देखी है तो एक और दो चीज़ें और दिखाता हूँ। तो वैली की खूबसूरती है वो देखें, कुछ बच्चे ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, और ये बह रहा है वैली के नीचे से एक दरिया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये है नल्टर वैली का एक खूबसूरत सा हाउस। तो भाई मज़ा आ गया, अब चलते हैं देखते हैं भाई किस तरह से भाई पहुँचेंगे। अल्लाह करे कि हम आसानी से पहुँच जाएँ, लेकिन ये खूबसूरत प्लस एडवेंचर प्लस डेंजरस तीनों हो गया। चलते हैं आगे। को पहचान रहा असल में नल्टर वैली का सीन देख लिया आपने, एडवेंचर भी देख लिया, साथ साथ घबराहट भी देख ली। कुछ कुछ है घबराहट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि एक मिस्टेक जो हमसे हुई दोबारा, हमें आइडिया नहीं था कि हमारी क्लच प्लेट बैठेंगी, क्योंकि हमारा हमें नहीं पता नल्टर का जो हिस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और कुछ थोड़ी सी मिस्टेक भी है, क्लच ज़्यादा दबाने से भी क्लच प्लेट बैठती है, ज़रूरी नहीं है क्लच प्लेट को बसना हो तो जब भी पाकिस्तान टूर पर आए भाई क्लच प्लेट साथ लेकर आएँ। जब मुझे नल्टर से नोमाइल तक लेकर गाड़ी जानी पड़ेगी, और वहाँ भी आइडिया नहीं है कि गाड़ी में क्लच प्लेट दलेंगी नहीं दलेंगी, और रोड आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मैकेनिक के पास पहुंचने के बाद। तो बस यहाँ तक के लिए खूबसूरती ख़त्म, एडवेंचर स्टार्ट, और नमल में जाके बताऊँगा क्लच प्लेटों का क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी मेरे साथ बंदे रहिए और नमल चल के देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।